नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। हनुमान जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक ऐसे देव हैं जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सीता माता के वरदान प्राप्त होने के बाद श्री हनुमान जी अमर हो गए और कहा जाता है कि जहाँ भी हनुमान चालीसा, सुंदर कांड या रामायण का पाठ पढ़ा जाता है वहाँ श्री हनुमान की उपस्थिति जरूर होती है। वो कलयुग में सबसे सक्रिय देवताओं में से एक है और उनकी आराधना सभी कष्ट और दुख दर्द दूर कर लेती है। बहुत सारे मित्रों के प्रश्न हमारे पास थे कि व्यापार में दिक्कत है, व्यापार में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, धन की प्रॉब्लम्स हैं, धन संचय नहीं हो पाता, तो उसके लिए आज मैं दो तीन उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप ये उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, आपको ज़रूर इनका लाभ मिलेगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है कि इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। सबसे पहला उपाय, अगर आप अपने जीवन में पैसों की तंगी, दरिद्रता को लेकर परेशान हैं तो ये उपाय आपको 40 दिन तक लगातार करना है और ये उन परेशानियों से आपको ज़रूर छुटकारा दिलाएगा। आपको रोज सुबह या शाम के वक्त हनुमान जी के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दिया मिट्टी के दीपक में जलाना है। आप मंदिर में दिया जलाने के बाद कुछ देर वहां बैठेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो उपाय है आपको मंगलवार या शनिवार किसी एक दिन आप कर सकते हैं, चाहे आप मंगलवार कर लीजिए चाहे शनिवार कर लीजिए। जिस दिन से शुरू करेंगे 40 दिनों तक ये उपाय लगातार आपको करना है। जब आप दिया जला लेंगे तो हनुमान जी को सिंदूर तिलक जरूर लगाएं। जो आपकी मनोकामना है या जो आपकी परेशानी है वो उनके सामने निवेदन करें तो आपकी वो परेशानी जरूर दूर होगी। बस ये ध्यान रखिए ये उपाय खंडित ना हो, नहीं तो अदरवाइज आपको ये उपाय पहले दिन से ही शुरू करना पड़ेगा। दूसरा उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएं तो आपको पीपल की पूजा करनी चाहिए। पीपल पे आप जल चढ़ा सकते हैं और एक उपाय भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। शनिवार को ये उपाय आपको करना है, शनिवार वाले दिन, शनिवार को सुबह उठकर आप अपने नित्य क्रमों से निवृत्त होकर किसी भी पीपल पे पेड़ पर जाएं और 11 पत्ते, साफ पत्ते, कटे फटे ना हो ना ही खंडित हो, उनको तोड़ के ले आइए। इसके बाद इन पत्तों को साफ पानी से धो लें, फिर कुमकुम, अष्टगंध और चंदन मिलाकर, अगर आपके पास ये सारे नहीं है तो आप किसी भी लाल सिंदूर से भी उस पर भगवान श्री राम का नाम लिखें। नाम लिखते हुए भगवान श्री राम का तो आप स्मरण करें ही करें, हनुमान जी का स्मरण भी करें, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। उसके बाद इन पत्तों की एक माला तैयार कर लें और पीपल के पत्तों की माला को किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी प्रतिमा को अर्पित करें। ये उपाय आपको शनिवार को करना है और ये उपाय भी आप उन्हीं उपायों के साथ साथ, जैसे आप मान लीजिए पहले भी एक उपाय कर रहे हैं वो शनिवार को ही कर रहे हैं तो आप शनिवार को ही कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वो उपाय आप मंगलवार को कर रहे हैं तो वो मंगलवार को कर लीजिए, ये शनिवार को कर लीजिए। कुछ समय बाद ही आपको बहुत ही पॉजिटिव परिणाम दिखने लगेंगे। आप धन और समृद्धि प्राप्ति के लिए एक और उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आप अपने घर पर कर सकते हैं। रात्रि में सोने से पूर्व हनुमान जी के सम्मुख सरसों के तेल का मिट्टी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये जो आप सरसों का तेल लेंगे, कच्ची घानी का तेल लेना है आपने, और इसमें 2 लौंग जरूर डालें ताकि जो भी संकट आपकी राह में आने वाले हैं वो दूर हों। और आप ये प्रार्थना करें हनुमान जी से कि आपके धन संबंधी जितनी भी परेशानियां या आपके व्यवसाय में जो भी परेशानियां आ रही हैं वो जल्दी से जल्दी दूर करें। और हनुमान जी का फोटो आप
एक घर के किसी भी ऐसी जगह पर दक्षिण दिशा में देखते हुए, हनुमान जी जो दक्षिण दिशा में देख रहे हैं, ऐसा कोई फोटो आप अपने घर में जरूर लगाएं। इस उपाय से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। दोस्तों, कुछ उपाय मैंने आपसे शेयर किए। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय करें और मन ही मन श्री राम का स्मरण करते रहें। जब आप श्री राम का स्मरण करते रहेंगे तो हनुमान जी आप पर कृपा ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और आपने अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हम आने वाले समय में और भी वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पे भी एसोसिएट हो सकते हैं हमारे पेज को लाइक करके, ताकि आपको समय के हिसाब से अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।